नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शाम के बज चुके हैं, 8 बजने वाले हैं और आज है गुड्डू का बर्थडे। तो गुड्डू का बर्थडे जो है मतलब मनाना तो था हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, थोड़ा सोचा हुआ था, कुछ कई चीज़ें सोची हुई थी कि ये लाएंगे, वो लाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि एक हमारी फ्रेंड को थोड़ी सी दिक्कत होगी। वैसे अब ठीक है वे, मैं पूरी रात कल वहीं पर रहा हूँ, हॉस्पिटल में था, तो अब उनको आराम है। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि मैं कल ही आपको नज़र आया हूँ और मैं दोपहर बाद ही वहाँ से आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने आके देखा है कि इनका प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल था कि ना हमने बर्थडे वगैरह नहीं करना है, नहीं मनाना है, सिर्फ क्या करेंगे कि पेस्ट्री ले आएंगे और वो खा लेंगे सब बच्चे। लेकिन फिर मैंने बोला है, मगर नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आराम है और भगवान करेगा वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। दोस्ती हैं एक तरीके से देखेंगे, परिवार के भी हैं, सारा कुछ है, तो उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत ही मतलब घर जैसा परिवार है हमारा वो ना, तो तभी इतना मतलब होता भी है थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए फिर ज़्यादा हमने कोई वो नहीं किया था, तो फिर इन्होंने तो कैंसिल कर दिया। मैंने बोला मगर नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि गुड्डू का भी बड़ा मन था कि बर्थडे आएगा। और उसके बाद जो है जब पता लगा गुड्डू को कि ऐसे ऐसे चाचू, वो उनको भी चाचू ही बोलती है जिनकी तबीयत खराब है, कि चाचू की तबीयत खराब है, तो फिर वो भी कहने लगी कोई बात नहीं, ड्रेस अच्छी लग रही है तेरी। तो फिर टिप है उसमें, फिर मैंने बोला उसे, मैं तो कोई बात नहीं बेटा, चाचू ठीक है तेरे, कोई दिक्कत नहीं, भगवान करेगा वो जल्दी घर पे आ जाएंगे। असल में ये उनके साथ ही थे ना जी, तो जब इन्होंने आके बताया कि ऐसे ऐसे है तो फिर थोड़ा सा हुआ, नहीं तो हम तो डरे ही बैठे थे, मैं पता नहीं बस ठीक ठाक ही हो, नहीं ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ठीक करेगा। और बच्चों का क्या होता है कि साल का एक ये उनका वो होता है कि ना जी ये हमने मनाना है। हमारा अब इस बार क्या था कि सबको बुलाएंगे, लेकिन फिर हमने सब कैंसिल कर दिया है, कोई बात नहीं, फिर से ही कोई से कभी बर्थडे आता है बच्चों का, बड़ों का ही सीजन, हाँ अब सीजन चल गया है, तो फिर बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब आएंगे फिर करेंगे जुगाड़। तो आज फिर ज्यादा ना करते हुए जो थोड़ा बहुत सामान मतलब ये बचा हुआ सामान था पिछले साल का, मतलब पिछले बर्थडे का कोई से है ना, तो निकालना नहीं था, तो आज वो निकाल दिया है, वही हम यहाँ पे करेंगे यूज। ठीक लग रहा है, और यहाँ पे इंदू लगी है इस काम को करने को इधर। और प्रोग्राम तो था कि बाहर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन सारा पे खैर कोई बात नहीं, उन चीजों को बार बार करने से कोई फायदा नहीं। क्या हुआ ये बताओ, इसे दीदी का सरप्राइज देंगे, क्या हुआ, इसे लगा कि ये टेप चीजी है पैकेट में, नहीं नहीं वो चीजी नहीं है, वो तो टेप है, उधर की साइड लगा। तो जी देखिए, यहाँ पे गुड्डू के बर्थडे के लिए हम कर रहे हैं तैयारी, और जैसा कि पियो के डैडी ने कहा कि पहले तो मन नहीं हो रहा था, फिर जब ये आए इन्होंने बताया कि उन भैया की क्या सिचुएशन है, तो फिर मतलब हुआ कि चलो भाई थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जन्मदिन बच्चों का भी साल में एक ही बार आता है, तो मैं कहा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा घर में ही कर लेते हैं, जैसा भी वैसे तो पहले तो सोचा हुआ था कि चलिए बाहर चलते हैं या घर चलेंगे, लेकिन जी वही है कि टाइम का कुछ नहीं पता है, और सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं जी, यहाँ पे इतनी दूर मतलब अपनी साइड का कोई मिल जाए या हम लोग भी हैं तो एक दूसरे का साथ ही है कि भाई इतनी दूर में पता लग जाता है। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर यहाँ पे ये पुराना ही सामान रखा था तो वही हमने दोबारा लगा दिया है, और हो गई है हमारी डेकोरेशन जो करनी थी हमें थोड़ी सी। ये भी आ रहा तेरा भाई, थैंक यू दीदी, आपके पसंद का पांडा वाला केक मंगाया और मैं आपके लिए पांडा वाला केक। अभी बात छोड़ दीजिए, उसको बिना बताए सरप्राइज क्या रहेगा, जब तक मैं उसको बता दिया, मेरा गला तो ठीक होने दो, क्यों रो रही तू, बर्थडे तेरा मना रहे बेटे, आज रो ना तू, मैंने
हनुमान जी तो जी नीचे की तैयारी तो देख लिया आपने यार। यहाँ ये देखिए ये तैयारी जो चल रही है ना इसको चल इतनी मुश्किल था तो दाल गली भाभी चल जाती सर एक पर गली एक पे हजम हो गया हर चक्की सी का एक हो ना एक ही हो एक पे खाया बेचारा तो रखने वाली रहन दियो कहाँ चली वो बाल कह रही गुड्डू बाल रहने को मेरे बाल बांध दो ठीक तो जी यहाँ पे मैं गुड्डू के बाल कर रही हूँ और गुड्डू की तबीयत ख़राब सी थी, इसको दिन में ही हो रहा होगा लेकिन इसने दवाई नहीं ली तो रात को इसको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होगी, ट्यूशन में और ज़्यादा होगी। तो फिर इसने कपड़े वगैरह भी नहीं चेंज करे, मैं कहा चलो कोई नहीं कपड़े जो पहन रही वो नए ही पहन रही। तो यहाँ पे मैं इसके जो बाल है वो बांध दूँगी, ज़्यादा तो कुछ नहीं किया। और मतलब गुड्डू हमारी वैसे ज़्यादातर सिंपल ही रहना पसंद करते हैं, बल्कि ये जो तीन छोटी छोटी हैं ये सोचती हैं कि हमारा पूरा मेकअप कर दे, गुड्डू का इतना नहीं होता। तो गुड्डू के बाल वगैरह बनाने के बाद मैंने थोड़े से अपने बाल भी ठीक किए। तो खुले बालों में मुझे दिक्कत सी हुई रहती है, पहले तो मैंने ये खोल ही लिए थे, मतलब इतने भी ये पिनअप से करके थोड़े से खोल लेते, लेकिन बाद में जैसे मैं कुछ करने लगी तो ये मुझे परेशान करने लगे। तो उसके बाद मैंने उठा के इनकी चोटी बना दी, मैं ऐसी तैसी में जाओ दिमाग ख़राब हो गया। तो ये फैशन अपनी जगह है और अपनी जो कम्फर्ट है वो अपनी जगह है, फैशन के चक्कर में परेशान हो जाओ उसका क्या फ़ायदा। इसके बाद जी यहाँ पे देखिए कृष्णा के भी मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं और तेल वगैरह लगा के काजल वगैरह लगा के इसको भी कर दिया है रेडी शाम के बर्थडे पार्टी के लिए। कब तक गेट में खड़े रहोगे? ये आ गया केक, बहुत टाइम लगा दिया लेकर आने में। हमारे वाला किसी और को दे दिया, फिर दोबारा तैयार करवाया। किसी और को क्यों दे दिया? उसे पता नहीं लगा कि हमने ऑर्डर किया हुआ था कि आप 15 मिनट बाद आओगे और फिर 15 मिनट और लेट कर तो दूसरा तो नहीं पकड़ा दिया। चलो देखो खोल कर कैसा। उसका बर्थडे उसका तो बेचारी को टोपी नहीं दी किसी ने, तो जागती वो नहीं हमने बनवाया था, अभी आई बनवाया था, यही तो बनवाया था। रुक जा टिक जा, यही तो बनवाया था, हाथ ना लगा दिया नहीं इसमें, वो शर्म के मारे लाल हो गया। ब्लश मार रहा ब्लश, गुड्डू को देख के हमारा फोन ब्लश कर रहा ब्लश। अरे ये चीज वाइट वाइट पिंक पिंक बेबी जो सैंडविच अपने पैसों का ही सुना सैंडविच दिलवाई। अब तू बीच यो बैठ जाए इन्ना ना ओ हेलो वो कर दिया क्या करा था नहीं करा दी कुछ भी यो ये तो ऐसे ही आ रहा था उसी में ही ऐसे ही आया यो कीचो ए फिर अब कोई जो नीचे नीचे इधर ही ना 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 इधर ही बैठे तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000 हैप्पी बर्थडे टू ज्यादा सीरियस हो गया कौन दिया तुमने के तो जी देखिए यहाँ पे काटने लगी है गुड्डू केक। और गुड्डू हमारी जितने भी बच्चे हैं हमारे हम चारों के, मेरे आशु के सुमन के अरुचि के, उनमें सबसे बड़ी है, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी उसमें सबसे बड़ी जो है वो गुड्डू ही है। और गुड्डू इस बार 14 साल की होगी, जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त गुड्डू जो है 3 साल की हो के कम्प्लीट 4th साल में लगी हुई थी। और इसका जो 4th बर्थडे है वो मतलब मेरे सामने ही हुआ है। और मतलब छोटी सी भी जब गुड्डू थी तो मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो गुड्डू आती थी जैसे रामपुर रहती थी मैं, तो गुड्डू आती थी तो मेरे पास वो खेलती थी। और मैं आपको बताऊँ अब जब बाद में मेरी शादी के भी बाद शादी के टाइम पे गुड्डू मुझे मौसी कहने लगी थी, पहले वो मुझे इंदु ही बोलती थी क्योंकि उसके नाना जी नानी आशु जीजा जी या कोई भी सब मुझे इंदु बुलाते थे। तो उसको ऐसा लगता था कि मैं मतलब छोटी हूँ या मेरा नाम ही वो ही है।
तो ये मुझे इंदु ही कहती थी, बाकी जो रुचि है उसको भी मौसी बोलती थी, प्रगति है जो चाचा जी की बेटी है उसको भी मौसी बोलती थी, लेकिन मुझे ये इंदु ही बोलती थी। तो जब भी मेरी शादी हुई उसके आगे पीछे से थोड़े से टाइम के उस पर, तो तब ये जाके फिर इसने मुझे मौसी बोलना शुरू किया था, नहीं तो ये इंदु ही बोलती थी। तो जी देखिए यहाँ पे बस सारे जो हैं टिक्का कर रहे हैं गुड्डू का, और उसके बाद यहाँ पे केक कर देंगे। और जो ये केक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जो कान्हा जी को खिलाते हैं कि ये अंडे वाला एग केक है, तो जी ये केक जो है ये एग फ्री है, और जिस दुकान से हम केक लेके आते हैं उस दुकान पे एग फ्री ही केक बनते हैं, और ये उस चीज़ की गारंटी भी देते हैं। तो इस वजह से हम जो कान्हा जी को है ये केक वगैरह खिला देते हैं, नहीं तो हम लोग खुद भी, आपको पता ही है कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम खुद भी कुछ ऐसा नहीं खाते जो कि नॉन वेज की कैटेगरी में आता हो, और अंडे भी उनमें से एक ही है कि हम लोग अंडे भी नहीं खाते। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो चीज़ हम लोग खुद नहीं खाते वो हम कान्हा जी को कैसे खिला सकते हैं। तो ये जो केक आते हैं हमारे ये एगलेस होते हैं, और यहाँ पे जो हमारे कान्हा जी है पहले ये देखिए इनको यहाँ पे खिला दिया, उसके बाद जो हमारे गोविंद और माधव है उनके लिए हम घर लेते जाएंगे। मैं उनको सारी जगह लेके नहीं जाती हूँ, जब से मुझे मना किया है कि उनको सही सारी जगह लेके जाना ठीक नहीं है, तब से मैंने उनको लाना ले जाना बंद कर दिया है। हम मनाते भी कोई सा नहीं, मनावे सारे पहले सारों के प्रोग्राम मारे, कैम मिल रहा है टाइम टू टाइम सारे प्रोग्राम मारे फिक्स हो गए, और हमें सूट भी यही हो गया, ज्यादा हमें सूट प्लानिंग नहीं सूट होती। हमें इसी में खुश है, जो इस चीज में हम खुश हो जाए तो हो जाए, अगर कहीं बड़े जगह या बड़ा करेंगे ना तो हम नर्वस से हो जाए, तो करे क्या बड़े बड़े तो यहाँ कंफर्टेबल हो गए, अपना जो बोलना जो कहना जो सुनना सारा कर ले, तो वहां जब होटल में चले जाए वहां तो बोलते हुए भी नहीं सोचे, मारा कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कोई सुनना ले सुनना ले, पहले तो यही है कोई सुनना ले। अरे बस कम खुआ हो इन्हें, इन दोनों की तो बनती है भाई। हैप्पी बर्थडे की माला नीचे गिर गई रे, ऐ चुप पर रहे पप्पी नीचे हो गया। तो जी देखिए यहाँ पे हो गया है अब केक कटिंग, उसके बाद जो केक है वो दे दूंगी। और जैसा कि मैं बताती कि कान्हा जी को मैं लेके नहीं जाती, हाँ ये है कि जैसे हमें वहाँ जाना था माई के आशु और मैं दोनों ही जा रहे थे, तो इस वजह से साथ लेके जाना पड़ा। लेकिन अगर हम दोनों में से एक भी यहाँ रहती है कि मैं यहाँ रहती हूँ तो आशु, या आशु यहाँ रहती है तो मैं अपने जो लड्डू गोपाल है उनको वहीं पर जाते हैं दे छोड़ के जाते हैं, तो हम उनको वैसे नहीं लिए फिरते सारी जगह कि जैसे आ रहे तो जा रहे साथ साथ में लिए घूम रहे, क्योंकि जी देखिए पता नहीं कितनी जगह हम जाते हैं, कैसी जगह पे जाते हैं, कई बार झुट्टे हाथ लग जाते हैं या कुछ भी, तो इस करके हम जो है कान्हा जी को मंदिर में बिठा के रखते हैं अपने, सुबह ही नहलाया धुलाया और मंदिर में बिठा दिया, और वहीं पर ही अपना जो भी उनका खाने पीने का भोग का सामान है वो वहाँ पर दे दिया। तो जी देखिए कम टाइम में हमारी जो क्या बोलते हैं इसको प्रिपरेशन होगी है, और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ ही हैं जिनसे कि लगता है कि हाँ भाई जिंदगी है, नहीं तो देखें जी मुश्किलों को देखें तो सारा दिन मुश्किलें ख़त्म नहीं होती, और यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे कि भाई थोड़ा सा माहौल जो है वो चेंज हो जाता है। तो जी देखिए हमारी लड्डू का हो गया है 14वां जन्मदिन पूरा। तो जी खाना वगैरह खा लिया, केक काट लिया, और टाइम बज गए हैं 10। गुड्डू जी कितने साल की होगी बेटे? 14 की। 40। मेरी शादी में गुड्डू 4 साल की थी नहीं, 4 साल की मेरी शादी के बाद ही हुई, 3 की हो गए, 4 साल की चौथे में लग रही थी जब मेरी शादी हुई, और अब ये 14 साल की होगी, तो प्रोग्रेस मेरे ही सामने हुई इसकी। तो जी बस अब चलते हैं, और हमारी बब्बो की बिचारी की तबीयत खराब होगी, पर फिर भी कोई नहीं, आप बेस्ट विशेज दियो अगले 1 साल तक या टेंशन फ्री रहे। मैं तो भी टेंशन फ्री, बुखार ना हुए मतलब कहने का वो है, सुखी रहे स्वस्थ रह टेंशन फ्री रहे। तो जी पीहू शायद यहीं रुकेगी, बाकी मैं पीहू के डैडी पीहू रूही और कृष्णा जा रहे, और हमारी गाड़ी तैयार खड़ी बाहर ड्राइवर समेत। ये तो या तो थी पता नहीं इसका तो क्या हुआ है तेरा, हैं जूते पैर रहा था या कोई तेरे आपको मुझे नींद नहीं आती कोई, या तो खुश होकर आ रही थी उधर अपने आप ही वहीं रह के रात को, और बल्कि नु कहते मैं तो दो पैर ही रुकू थी। हाँ कृष्णा की दवाई कहाँ है? तो जी चलिए बस फिर हैप्पी बर्थडे गुड्डू बेटे, थैंक यू गुड्डू। चलिए जी फिर ठीक है, पियो ये स्वेटर निकाल दी बेटे हैं।
कल कोई नहीं पहन लिया, मी पहन का आई थी कपड़े ज्यादा खराब करा कर कोई बात नहीं, लाइट शेड है तो जी चलिए बस चलते हैं और उधर ही जाके मिलती हूँ मैं आपको। बाय बाय जी, बाय बाय।